अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। न्यूज़ की शुरुआत से पहले आपको बता दें कि आपका पसंदीदा बीबीएन चैनल आप होम व्यू सेट टॉप बॉक्स पर देख सकते हैं। आप अपने केबल ऑपरेटर से कांटेक्ट करें और टीवी पर बीबीएन चैनल दिखाने के लिए कहिए। इसके अलावा यूट्यूब पर नए यूज़र्स हमारे बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, जिसके बाद बीबीएन के सभी नए वीडियोस जल्दी ही और सबसे पहले आप देख पाएंगे। कुछ लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं मिलने की शिकायत की है, तो ऐसे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस की हलफबरदारी, तेलंगाना हाई कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस हीमा कोहली भी शामिल, पहली बार 9 जजेस ने एक ही दिन लिया हलफ। तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्कूल्स को खोलने के अहकाम पर एक हफ्ते तक लगा दी रोक, कहा फिजिकल क्लासेस लाजमी नहीं। किसी भी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, हाई कोर्ट की हिदायत के बाद टीएस एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया मेमो। टीआरएस 2 सितंबर को मनाएगी झंडा पंडुगा, एटीआर ने इस प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर मनाने की पार्टी कैडर से की अपील। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने बनाया तेलंगाना बीजेपी सदर को निशाना, पदयात्रा को लेकर किए कई सवाल। तेलंगाना भर में शदीद बारिश के बाद प्रोजेक्ट्स की सतेआब में इजाफा, हिमायत सागर समेत बास प्रोजेक्ट से दरवाजे खोलकर छोड़ा गया पानी।